जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, पवित्र गणेश पूजा उपलक्षे आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। एथर गणेश पूजा रे दीर्घ 500 वर्ष पर बनुच्छे राजयोग, जहाँफल किसी राशि व्यक्ति विशिष्ट मानक धनर लाभ होगा जाऊँगी। फ्रेंड्स, प्रत्येक व्यक्ति निज जीवन में धनी होगा चाहिए था, किंतु भाग्यर उपर सबकि निर्भर करें। ग्रहर चलन द्वारा व्यक्तिर भाग्य स्थिर होइथाए। राशि मानकर भाग्य ग्रह मानकर चलन रे ही निर्भरशील होइथाए। कौनसी व्यक्ति जीवन रे कठिन परिश्रम करी सफल हुए नहीं, किंतु अन्य क्षेत्र रे कम परिश्रम करी किसी व्यक्ति को बहुत किसी मिली जाइथाए, जहाँ ग्रहर चलन द्वारा ही होइथाए। चलित बर्ष सेप्टेम्बर 19 तारीख मंगलवार दिन पड़ा जाऊर गणेश चतुर्थी, तो यह दिन ठार विशाल राजयोग सृष्टि हेब। यही राजयोग सृष्टि होगा कारण सतट राशि भाग्य उदय होगा जाऊँ, एम भाग्य संपूर्ण बदल तेज आसत जाना से सतकोटी भाग्यशाली राशि मान विषय से भाग्य कौन सब पर भाग्यशाली राशि मान प्रथम राशिटी हूँ कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति मानू गणेश पूजा पर मालामाल जाती आपण जीवन में जहाँ भी समस्या रही शुभ संजोग कारण सब समाधान हो। प्रभु गणेश कृपार आपण जीवन धन्यधन्य परिपूर्ण हो। राशि व्यक्ति मान शुभफल मिलवाक जाऊँगी, जहाँफल समाज में निजक प्रतिस्थित व्यक्ति भाव परिचित कराइबे। आपण को जश क्षति निश्चय मिल, आयर वृद्धि घटवाक जाऊँगी, चाकरी में पदोन्नति मिलवाक जाऊँगी। विद्यार्थी शिक्षा क्षेत्र में उच्च पद हासिल करेंगे। यही पवित्र गणेश पूजा पर धन प्राप्ति हेब, विशाल धनजोग मिलबार संभावना रही। तेज द्वितीय राशि हूँ कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पवित्र गणेश पूजा पर भाग्यर पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा जाऊँगी। भाग्य बदल में सफलता हासिल करेंगे। आपण जेको नुआ कम आरंभ करेंगे से उन्नति प्राप्त करेंगे। आसंता समय धनर अभाव रहा, जीवन सुख समृद्धि प्राप्त होगा जाऊँगी। दाम्पत्य जीवन में जीवनसाथी धार्मिक स्थान को यात्रा समय करा कले जे लाभदायक सिद्ध हो। प्रत्येक क्षेत्र में आप जयुक्त देखा गले समय मध्य आपन को कौन सी दिग्वर हठात धन प्राप्ति हो पाए। यह राशि व्यक्ति मैंने सदा सर्वदा सुखी होगा सह आसंता समय सुखने रे। विद्यार्थी मैंने पाठपढ़ अनेक परिणाम प्राप्त करेंगे। घरे शांति बजाय रहिबो। एमाने चाकरी खोजुले तो यही राशि व्यक्ति मैंने जो मैंने चाकरी खोजुंती तेरे उच्च पदवी मिलिबार संभावना अच्छी। समय आपण प्रत्येक कार्य सफल हेबे। तेबे तृतीय राशि हूँ मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पवित्र गणेश पूजा पर आपण जीवन में बहुत जल्दी शुभ समय आगमन होगा जाऊँगी। आपण जेको नूतन कार्य आरंभ करेंगे से निश्चय सफल हेबे। एम जीवन में माता लक्ष्मी को कृपा प्राप्ति होगा सह भगवान श्री गणेश अशेष कृपा प्राप्त होगा जाऊँगी। कौनसी कार्य सफलता पाइबा आशा रखी निश्चय पाइबे। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त समय मध्य राशि व्यक्ति मैंने मालामाल जाती आपण जीवन में जहाँ भी समस्या रही घटवा राजयोग कारण सब समस्या समाप्त हो। भगवान श्री गणेश कृपार आपण जीवन धनधान्य परिपूर्ण हो। सुख ऐश्वर्य आपण को प्राप्त होगा जाऊँगी। तेरे चतुर्थ राशि हूँ धनुराशि। धनुराशि व्यक्ति विशेष मानक पवित्र गणेश पूजा पर भाग्य खोल किंतु आपणकर जीवन साथी अल्प बहुत मनातर हो पाए, किंतु बहुत जल्दी सबकि ठीक हो। आपण दूर जगह को यात्रा यह समय करपारती आपण लाभकारी सिद्ध हो। जो मैंने व्यापार क्षेत्र में अच्छा से अधिक धनलाभर नजर आसुच्छी, एमानको धन प्राप्ति हेबार जोग मध्य रही। आपण जेकोसी काम करंतु ना काहीकि अधिक चिंता विचार करी करंतु, समाज रे मान सम्मान प्रतिष्ठा हेबो, जहाद्वारा आपणकर प्रशंसा चारिआड़े हेबो। नुआ योजना प्रस्तुत करिबे जहा आपण लाभकार सिद्ध हेबो। एही समय मध्य आपण को धन प्राप्ति हेबार जोग रही, एमितिकी घरे कोनसी गुरुजन मानक पाखरु धन मध्य प्राप्ति हेबार जोग रही। तेज पंचम राशि हूँ मकर राशि। मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पवित्र गणेश पूजा पर आपण परिवार रे खुशी आसवाक जाऊँगी।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୃହକୁ କୌଣସି ନୂଆ ଅତିଥି ବା ଶିଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଋଣଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପରିକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଷଷ୍ଠ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା ପରଠାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଧନ ଦୌଲତ ଓ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କରିବେ। ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୋଇପାରେ ଓ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। କୌଣସି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁରୁଣା କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଧନଜନିତ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏହା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦିଗରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଧନରେ ମାଲାମାଲ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ବନି ରହିବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।